गुड मॉर्निंग बच्चों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें 4.5 का हम एक और दो प्रश्नों को बना दिए थे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से कि प्रश्नावली 4.5 में एक प्रश्न आता है तीन और चार में तुम लोग को करना क्या है कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर सारणिक a इंटू i, ये सब आपस में क्या करना है, सिद्ध करना है कि इतना सिद्ध करके बराबर आ जाना चाहिए। अब देखो तीन नंबर जो क्वेश्चन दिया है तो लोग अपने बुक में भी देख लेना थोड़ा सा ध्यान से। सत्यापित हम लोग करते हैं तो कैसे सत्यापित करेंगे, क्या बताए थे, तो सबसे पहले बताए थे कि सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि यहां लिख लेंगे माना। अब माना ए बराबर हम बताए थे तुम लोग को कि 2, 3 -4 और -6, और इसके बाद हम बताए थे कि a11 निकाल लो, a11 निकालोगे क्योंकि सखंड निकालने के बाद ही आप सखंड निकाल सकते हैं। अब देखो a11 निकालने के लिए बताए थे तो -1 के पावर 1 प्लस 1, और यहाँ हम फिर बताए थे इससे पहले कि जब हम इसको बनाते हैं तो क्या करेंगे कि इसको और इसको बंद कर देते हैं तो क्या मिलेगा -6, तो यहाँ बाबू हम लिख देंगे -6। अब देखो इसका पावर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा तो इसका मान प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो बाबू माइनस कितना हो जाएगा, 6, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। अब a12 निकालेंगे, 12 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 फिर देखो ध्यान से, इसको हम निकाल रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, मिलेगा क्या हमको -4। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से कि यहाँ एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या होता है, विषम आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ से भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 हो गया। उसके बाद हम बाबू निकाल लेंगे क्या a21 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 1। अब इसको निकालेंगे तो इसको बाबू बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ लिख देंगे 3। अब देखेंगे कि इसका पावर जो है क्या है, विषम है, और पावर जब विषम है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ प्लस है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। उसके बाद a22 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 2। अब देखो a22 ये वाला मान हो गया, इसको जब निकालोगे बाबू तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा तो मिलेगा क्या 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। इसका पावर सम है इसलिए प्लस में आंसर हो जाएगा और ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस यहाँ 2। अब सिखाए थे तो लोगों कि a, इसलिए a बराबर लिख लेंगे, a बराबर लिखेंगे तो क्या मिला हमको -6 मिला, 4 मिला, -3 और 2। अब यहीं से बाबू हम सिखाए थे कि adjoint a निकाल लो। अब adjoint a में क्या बताए थे कि रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को क्या बनाना है, रो बनाना है, तो जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा -6, 4, -3 और 2। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ a का मान लिख दिए और उसके बाद एडजॉइंट a का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अब क्या करेंगे कि जो दिया है सिद्ध करने के लिए उसको हम सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए a इंटू ए डी जे ए। अब इसका मान निकालेंगे तो a का मान कितना है बाबू, a का मान दिया है 2, 3, -4, -6। अब एडजॉइंट a का मान कितना आ गया है, तो आ गया है -6, -3, 4 और 2। अब तुम लोगों को गुणा करने के लिए हम बताए थे, गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। बताए थे कि प्रथम रो को उठाएंगे प्रथम स्तंभ में, उसके बाद दूसरे रो को उठाएंगे प्रथम स्तंभ में, ऐसे करके गुणा करने के लिए बताए थे, तो चलो वैसे ही गुणा करते हैं। तो 2 से और -6 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, और 3 ले और 4 ले तो कितना हो जाएगा +12। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि -4 ले और -6 ले तो कितना हो जाएगा बाबू 24। उसके बाद -6 ले और यहाँ क्या हो जाएगा 4 ले गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24। अब देख लो ध्यान से थोड़ा सा, फिर करेंगे 2 से और -3 से तो माइनस कितना हो जाएगा 6। उसके बाद देखो ध्यान से यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 से और 2 से गुणा करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 6।
अब फिर देख लो ध्यान से, माइनस चार से और माइनस तीन से, तो प्लस बाबू 12 हो गया, और उसके बाद माइनस छ से और प्लस दो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 12। इस तरीका से जो मेरा a इंटू एडजॉइन a का मान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 0 0 0 0। अब उसी तरीका से हम देख लेंगे कि ए डी जे ए इंटू ए का मान कितना आ रहा है। तो देखो फिर एडजॉइन ए का मान रखेंगे तो एडजॉइन ए का मान कितना है, माइनस छ है, माइनस तीन है, चार है और दो है, और उसके बाद ए का मान बाबू कितना है, ए का मान यहाँ से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ है 2 3 -4 और -6। अब हम लोग करते हैं क्या कि फिर उसी तरीका से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस छ से और दो से गुणा करेंगे तो माइनस 12, माइनस तीन से और माइनस चार से गुणा करेंगे तो प्लस 12, चार से और दो से गुणा करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 8, और दो से और माइनस चार से गुणा करेंगे तो माइनस 8। आगे देखते हैं थोड़ा सा, माइनस छ से और तीन से गुणा करेंगे तो माइनस 18, और माइनस तीन से और माइनस छ से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 18, चार से तीन से गुणा करेंगे तो 12, और उसके बाद यहाँ दो से और माइनस छः से गुणा करेंगे तो माइनस 12। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका भी जो मान प्राप्त हो रहा है 0 0 0 0। यहाँ हम दोनों मान निकाल लिए। अब उसके बाद बाबू देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर क्या करते हैं कि इस मान को आगे निकालने के लिए अब निकाल लेते हैं ए सारणी के आई। तो ए सारणी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो ए सारणी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे, बताए थे कि तिरछा तिरछी गुणा कर दो बाबू, तो माइनस कितना हो गया 12, माइनस कितना हो गया 12, और बीच में भी माइनस होता है और ये माइनस हो गया तो कितना हो गया प्लस 12, यानी कि ए सारणी का मान कितना हो गया 0। इसलिए लिखेंगे ए सारणी आई, ए सारणी का मान जब 0 हो गया तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान हम बताए थे कि हो जाएगा 1 0 0 और 1। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस स्थिति में देख रहे हैं कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a और a सारणी i तीनों का मान क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा और यहाँ भी ये मान को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि तीनों मान क्या है, आपस में बराबर है, लिख लेंगे अतः a इंटू ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए इंटू ए बराबर ए सारणिक आई, ये आपका हो गया प्रूफ। अब देखो उसी प्रश्नावली में हम तीन क्वेश्चन को बना दिए थे, अब क्वेश्चन चार को हम बना के देखो ध्यान से थोड़ा सा बनाते हैं। क्वेश्चन चार को बनाने से पहले फिर वही काम करेंगे, क्या बताया है बाबू, लिखेंगे माना a बराबर 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब बताए थे कि इसमें क्या निकालना है, a11 ज्ञात करो, अब a11 ज्ञात करेगा तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 1। अब डायरेक्टली देखो ध्यान से, बताए थे ना कि इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे तो क्या मिलेगा, 3 से और 0 से गुणा करोगे तो 0, और यहाँ 0 से -2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि a11 का मान मेरा कितना मिल गया 0। अब देख लो ध्यान से a12 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बाबू, इसको निकालेंगे, इसको ढक देते हैं और इसको ढक देते हैं, 3 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 ले और -2 ले गुणा करेंगे तो -2, लेकिन बीच में माइनस होता है फिर क्या हो जाएगा +2। अब देखो यहाँ हो गया विषम, तो माइनस यहाँ से और ये प्लस में है तो -11। उसके बाद a13 निकाल लेते हैं तो -1 1 प्लस 3 हो गया बाबू। अब देखो ध्यान से इसको थोड़ा सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से और 3 से गुणा करेंगे तो 0, और ये भी 0 0 -0, ये टोटल टर्म कितना हो गया 0। अब निकाल लेंगे a21 निकालते हैं तो 2 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा,
अब देखो इसको ठग लेते हैं और इसको ठग लेते हैं तो बचेगा क्या, एक सॉरी तीन और माइनस एक और जीरो और दो, तो क्या हो जाएगा, तीन से और माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस तीन और माइनस जीरो। अब देखो यहां से ही माइनस और यहां से ही माइनस, तो प्लस हो जाएगा तो प्लस तीन, यहां हो जाएगा ए टू टू, ए टू टू निकालेंगे तो टू प्लस टू हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देखते थे, इसको फिर ढक देंगे और इसको ढक देंगे तो मिलेगा क्या, एक और एक दो और तीन, तो तीन से एक से गुणा करेंगे तो तीन माइनस दो। अब यहां से थोड़ा सा देख लो, सॉरी यहां एक बार थोड़ा सा सुधार कर लो कि यहां प्लस में दो होगा। अब यहां विषम नहीं है, पावर सम है, तो क्या हो जाएगा, एक यहां आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ए टू थ्री निकालेंगे तो माइनस वन के पावर टू प्लस थ्री। अब यहां देख लेंगे, इसको निकालते हैं, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो बचा क्या बाबू, मेरा एक और एक माइनस वन और जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन। अब जीरो प्लस वन तो यहां से क्या हो रहा है, माइनस और यहां प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा, वन। फिर उसके बाद बाबू निकालते हैं हम लोग क्या, उसके बाद निकालते हैं ए थ्री वन निकालते हैं, तो माइनस वन इसका पावर हो जाएगा थ्री प्लस वन। अब देख लो थ्री वन निकालेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो क्या मिलेगा, टू माइनस जीरो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ए थ्री टू निकालेंगे, माइनस वन के पावर थ्री प्लस टू। अब देख लो ध्यान से, इसको निकाल रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसको, तो क्या मिलेगा भाई, माइनस दो और माइनस छ। अब यहाँ से भी माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस, तो प्लस में कितना हो जाएगा, आठ। और ए थ्री थ्री, थ्री थ्री निकालेंगे तो माइनस वन के पावर थ्री प्लस थ्री। अब यहाँ देख लेंगे, इसको इसको बंद कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा बाबू, जीरो प्लस तीन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन। अब लिख लेंगे इसलिए ए बराबर, ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, अब देख लेते हैं, जीरो माइनस ग्यारह, फिर यहाँ जीरो, यहाँ हो गया तीन, यहाँ एक और माइनस एक, यहाँ हो गया दो, आठ और यहाँ हो गया तीन। अब यहाँ जब ए का मान निकालेंगे तो यहीं से बाबू निकाल लेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो माइनस ग्यारह जीरो, तीन एक माइनस एक दो आठ तीन, यहाँ से एडजॉइंट हम निकाल लेंगे। अब एडजॉइंट निकालने के बाद थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे, हमको सिद्ध करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए सारणिक आई। तो सबसे पहले बाबू निकालेंगे ए इंटू ए डी जे ए। अब देखो ध्यान से, ए का मान कितना है, ए का मान दिया है एक तीन एक, उसके बाद माइनस एक जीरो जीरो दो माइनस दो और तीन, उसके बाद एडजॉइंट ए का मान यहां से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो उसके बाद माइनस ग्यारह, फिर हो गया जीरो, यहां पर तीन हो गया, उसके बाद एक माइनस एक दो आठ और तीन। अब देखो गुणा करेंगे, जैसे गुणा करने के लिए बताए थे तो क्या हो जाएगा, अब एक ले और जीरो ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एक ले और माइनस ग्यारह ले गुणा करेंगे प्लस ग्यारह, दो से और जीरो से गुणा करेंगे जीरो, तीन से और जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो से माइनस ग्यारह से गुणा करेंगे तो जीरो, अब जीरो से इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, उसके बाद एक से और जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो से और माइनस इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और तीन ले और जीरो ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब उसके बाद फिर देखो ध्यान से, एक से और एक से और तीन से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, तीन माइनस एक ले और एक ले माइनस एक, दो ले माइनस एक ले माइनस दो, तीन ले बाबू और तीन ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ, जीरो ले और एक ले गुणा करेंगे तो जीरो, और माइनस दो ले और माइनस एक ले गुणा करेंगे प्लस दो, उसके बाद देखो एक ले तीन ले गुणा करेंगे तीन, उसके बाद जीरो से और एक से गुणा करेंगे जीरो, और उसके बाद ध्यान देख लो तीन ले और माइनस एक ले गुणा करेंगे माइनस क्या हो जाएगा, तीन। अब देखो एक ले और दो से गुणा करेंगे दो, माइनस एक ले और आठ ले गुणा करेंगे माइनस आठ, दो ले और तीन ले गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, छ, तीन ले और दो ले गुणा करेंगे छ, जीरो ले आठ से बाबू गुणा करेंगे माइनस जीरो, और फिर देखते हैं माइनस दो ले और तीन ले गुणा करेंगे माइनस छ, फिर यहाँ एक से और दो से गुणा करेंगे दो, जीरो से आठ से करेंगे जीरो, और तीन ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ। अब देखो ध्यान से,
इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 11, और यहाँ मिलेगा 0, यहाँ भी मिलेगा 0, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 11, ये मेरा हो गया मान। अब देखो फिर क्या निकालेंगे, निकालेंगे इसलिए ए डी जे ए इन टू ए, फिर देखो वही मान रखेंगे, एडजॉइंट ए का मान कितना है, 0 है, माइनस 11 है, 0 है, 3, 1, -1, 2, 8, 3। अब उसके बाद ए का मान रख देंगे, 1, -1, 2, 3, 0, -2, 1, 0, 3। अब यहाँ देखो एडजॉइंट ए का मान हो गया और ए का मान हो गया। अब देखो ध्यान से बाबू, डायरेक्ट उसी तरीका से इसको भी आप हल कीजिएगा ना, तो आएगा 11, 0, 0, 0, 11, 0, और यहाँ 0, 0, 11, इसका भी मान उतना ही आएगा, आप हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे ए सारणी। अब ए सारणी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ए सारणी का आपका मान हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, 1 यहां से ढक लेंगे, ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा, 0, -0, उसके बाद प्लस के बाद होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है तो +1। अब इसको निकालेंगे ढक के तो क्या हो जाएगा, ये ढक दिए और ये ढक दिए तो कितना हो जाएगा, 9, और उसके बाद प्लस में 2, उसके बाद फिर निकालते हैं 2 लिखेंगे बाबू, जब 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ढक देंगे और उसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, -0। ए सारणी का मान कितना हो गया, ए सारणी का मान आपका हो गया, ए सारणी का मान हो गया 11। जब हो गया तो यहां लिखेंगे इसलिए ए सारणी के इंटू आई बराबर, ए सारणी का मान कितना है 11, और इंटू में लिख देंगे आई का मान क्या हो जाएगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, तो क्या हो जाएगा, 11 से गुणा कीजिएगा तो, 11 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11। अब देख रहे हैं कि तीनों ही स्थिति में इसका मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तीनों की स्थिति में इसका मान आ रहा है क्या, समान आ रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ चले आएंगे, यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं, लिख लेंगे अत ए इंटू ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए इंटू ए बराबर ए सारणी बराबर आई, और यहीं हम लिख देंगे प्रूव्ड। अब देख ले रहे हैं कि तीनों को हल किए तो सबका मान एक ही जैसा आ रहा है, यानी कि एक ही जैसा आने का मतलब कि जो हमको सत्यापित करना था कि ये तीनों आपस में बराबर है तो सत्यापित हो चुका है, और यहाँ इस तरह से एंड कर देंगे प्रश्न को बना के, अतः हमें लिख देंगे ये तीनों मान और लिख देंगे प्रूफ, और आपका पूरा प्रश्न बन के तैयार हो गया।